चैप्टर है तुम लोग का 12th क्लास का, अल्कोहल किस ग्रुप में आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आता है, ठीक है। ये मतलब इसका स्ट्रक्चर या फिर सिंबल क्या होता है, माइनस ओ एच बोलते हैं, ये बॉन्ड है एक्चुअली, ठीक है, बॉन्ड ओ एच है। तो ये जो आर एच है ये क्या है, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, मतलब सी अगर टू है तो एच कितना होना चाहिए बताओ, अगर सी के नीचे यहाँ पे टू है तो एच कितना होना चाहिए, सिक्स, ठीक है। ये है एल्केन। एल्केन से अल्कोहल मतलब की क्रिएट करेंगे या फिर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ओ एच दे देंगे तो ये एच जो है वो हट जाएगा और ओ एच आ जाएगा, ये बन गया हम लोग का एल्कोहल। उसका अब जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस टू, पर यहाँ पे एक तो ओ, ठीक है, ये बन गया हम लोग का एल्कोहल। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन, दो बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप, ठीक है। ओ एच ग्रुप यहाँ पे कितना है, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब ओ एच दो रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जब ओ एच तीन रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जानकी को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बेसिस क्या होगा कि ये कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है, तो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सी एटॉम्स टू विच ओ एच, मतलब कि ओ एच ग्रुप कितना बार है, देखो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ये ओ एच जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसका बन जाएगा क्या, डिग्री। फिर से बता रहे, देखो ओ एच मतलब एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है ये नहीं है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर किस कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है वही हो जाएगा उसका डिग्री। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो तो एक कार्बन से, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वन डिग्री। अब ओ एच ये सेकंड डिग्री वाला, देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से, तो ये टू डिग्री। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, थ्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री डिग्री। अब वन डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, टू डिग्री को क्या बोलते हैं, थ्री डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्सरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, समझ में आया। नेक्स्ट देखो ये सब नेमिंग करना अभी सीखेंगे, कैसे नेमिंग हो रहा है, सी एच थ्री ओ एच, ये तो बहुत आसान है, मिथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, देखो मिथेनॉल लिखा हुआ है, ये दो ठो है कार्बन, दो ठो है कार्बन, दो ठो है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। हम लोगों को पता है एक एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, फोर कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, ऐसे करके चलते जाएगा। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, दो, तो इसलिए इथेनॉल। नॉल क्यों लगा, एल्कोहल के लिए। इसके बाद थ्री नंबर, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेमिंग इसका क्या क्या है, प्रोपेन वन ऑल, कैसे होगा देखो, प्रोपेन वन ऑल बोला है, एक दो तीन, इधर से नंबरिंग की है, क्यों, क्योंकि एल्कोहल इधर है इसलिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग की है। अब वन में ही है ना ऑल, मतलब कि एल्कोहल, एल्कोहल वन में है और कितना टोटल कार्बन है, तीन, तो तीन के लिए क्या लगना चाहिए, प्रोपेन, तो तीन के लिए प्रोपेन लगना चाहिए। और वन ऑल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वन नंबर में एल्कोहल जुड़ा हुआ है, समझ में आया। अब सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, इसके साथ एक तो जुड़ा हुआ है और एक तो वो एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसमें नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो नाम कैसे लगेगा, एक दो तीन या फिर एक दो तीन, कैसे भी करो, ठीक है, नंबरिंग कैसे भी करो, ये तो दो ही आना है, एल्कोहल वाला तो दो ही आना है ना, समझ में आया, जानकी को समझ में आया। तो देखो यहाँ पे नाम कैसे रखेंगे, प्रोपेन, तीन टो कार्बन है, तीन टो कार्बन के लिए प्रोपेन और टू में लगा हुआ है एल्कोहल, तो टू के लिए टू ऑल, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट फोर नंबर, चार टो कार्बन दिख रहा है, उसके बाद एक टो ऑल लगा हुआ है, मतलब ओएच लगा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा, चार के लिए ब्यूटेन, कितना नंबर में है, अब दिख रहा होगा कि जिधर से एल्कोहल है वहीं से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम वही नंबरिंग करेंगे, जब नंबरिंग उधर से किए तो इसमें ये कितना नंबर में आया, जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एक, तो एक ऑल, समझ में आया। उसके बाद सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, इसके साथ और एक जुड़ा हुआ है और इसके साथ ऑल मतलब कि एल्कोहल जुड़ा हुआ है, नेमिंग किधर से करेंगे, जिधर एल्कोहल है
1 2 3। तो 1 में आया ओल और 2 में आया मिथाइल। अब ओ पहले आता है अल्कोहल का, ओ पहले आता है या फिर मिथाइल पहले आता है? मिथाइल पहले आता है, एम पहले आता है ना। तो मिथाइल कितना नंबर में है? 2। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3, 3 तो कार्बन है ना, तो प्रोपेन, फिर 1 ओल, 1 ओल। ठीक है, इसके बाद CH3CHOH, यहाँ पे इसके साथ और एक जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जिधर में अल्कोहल पहले आ रहा है उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। मतलब यहाँ से जानकी बताओ तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से अल्कोहल पहले आ रहा है इधर से लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 हुआ। अब कितना नंबर में ओल आया, मतलब OH आया? 2। तो देखो 2 नंबर में ब्यूटेन, 4 टोटल है ना, टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 2 नंबर में है ओल, तो 2 ओल। समझ में आया? डी नंबर CH3, ये C अकेला है इसके चारों, और CH3 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 OH है। समझ में आया? अब यहाँ पे नंबरिंग कैसा करेंगे? देखो किया क्या हुआ है, 2 मिथाइल, ये 2। समझ में आया? किधर से भी करो, वो बीच वाला तो 2 ही आने वाला है। समझ में आया जानकी को? किधर 3? हाँ वो 3 होगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ? तो यहाँ पे 2 में क्या आ रहा है, मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 2 कार्बन है, तो 3 2 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और 2 में ही ओल है। ठीक है, तो 2 ओल। समझ में आया? तो ये सब का नेमिंग अब तुम लोग का करना है। इसका नेमिंग क्या होगा सुचिन, तो बताओ तो। ठीक है, इधर से ही नंबरिंग होने वाला था ना, OH वहां पे है, तो इधर से नंबरिंग होगा। तो इधर में टोटल कितना ये है कार्बन, 5। 5 के लिए क्या लगना चाहिए, पेन, और कितना नंबर में ओल है, तो क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, क्या चीज, ठीक है, AN और ANE। हाँ अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा बताओ तो जयश्री, ये सेकंड नंबर। हाँ, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, कैसे हुआ ना नेमिंग, तो थोड़ा समझाओ। पहले नंबरिंग किधर से करेंगे वो बताओ। हाँ अब 3 के लिए मिथाइल और ओल कितना में है, 1 नंबर में, तो टोटल ने पूरा नेम क्या हो जाएगा उसका, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। समझ में आ गया? सी नंबर बताओ तो मिताली, पेंटेन टूल, पेंटेन टूल, समझाओ कैसे हुआ। नेमिंग OH यहाँ पे फर्स्ट में है ना, तो नेमिंग क्या करेंगे नंबरिंग में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कितना नंबर में आया हुआ है, हाँ 2 नंबर में, तो नेमिंग पूरा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ओल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे होता है, ये बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं है। देखो फ्रॉम एल्को हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स से प्रिपरेशन इसका कैसे होगा, बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, आर एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, याद रखना। ठीक है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। अब एक्स का मतलब हेलोजन, हेलोजन कौन है जानकी, चार्टो है, क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये चार्टो हेलोजन है, मतलब एक्स है, मतलब यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, आर के एक्स के जगह में सीएल लग सकता है, आई लग सकता है, एफ लग सकता है, और क्या लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, KOH, ये जो जितना सर्कल किया हुआ है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और ये आर जो है OH के साथ आ जाता है, और KX अलग से निकल जाता है। यहाँ पे एक्स के बदले क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब 2 नंबर फ्रॉम एल्कीन्स, अब एल्कीन्स किसको बोलते हैं मोहित, एल्कीन्स किसको बोलते हैं, एल्कीन्स
जिसमें डबल बॉन्ड हो, मतलब ये एल्कीन है डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो उसी को बोलेंगे एल्कीन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये एल्कीन हो गया। एल्कीन के साथ अगर हम लोग एच टू एसओ फोर दे, ये डबल बॉन्ड एक उठ के चला जाता है ये एच टू एसओ फोर को हैंडल करने, मतलब ओ एसओ थ्री और एच, और एक एच कहाँ गया बताओ तो, एच प्लस आयन के रूप में निकल गया। समझ में आ रहा है यहां तक जानकी को? एक देखो यहाँ पे एच टू एसओ फोर है, एसओ थ्री हुआ मतलब कि एक ठो, ये देखो ओ चार ठो ही है, एक ठो आगे का ओ और एक ठो तीन ठो ओ एस है। अब एच टू, एच टू में एक ठो एच गायब है ना, ये एच जो है एच प्लस आयन के रूप में निकल गया और ये यहाँ पे लग गया। अब क्या होता है, ये पूरा जो एसओ थ्री है ये डिस्प्लेस कर जाता है और ओ एच आके यहाँ पे सिर्फ रह जाता है। इतना समझ में आया? ओ एच आके सिर्फ यहाँ पे रह गया। अच्छा ये अल्कोहल प्रिपरेशन हुआ क्या? हो गया, अल्कोहल मिल तो गया हम लोग को लास्ट में ओ एच। सेकेंड नंबर देखो, ये एल्गिन है एल्गिन है कि नहीं? एल्किन नहीं है, है डबल बॉन्ड है तो नहीं, एल्किन एल्किन है ना, डबल बॉन्ड है। अभी इसमें फिर से वही करेंगे एच टू एसओ फोर, ये मैकेनिज्म है समझो, एच टू एसओ फोर है। अब एच टू एसओ फोर फिर से क्या होगा, डबल बॉन्ड से एक ठो उठ के चला जाएगा, किसको हैंडल करने, वो जो ऊपर इसको, ठीक है, इसको हैंडल करने। फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही वही सेम चीज होगा, एसओ थ्री डिस्प्लेस कर जाएगा और ओए जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अल्कोहल प्रिपेयर हुआ, जानकी को समझ में आया यहाँ तक? क्या चीज हो ये वाला? हाँ हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन का कितना बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे अगर कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे देंगे वो कार्बन के हिसाब से। कार्बन का अगर यहाँ पे देखो, यहाँ सच में ठीक ही है, कार्बन का चार बॉन्ड हो चुका था यहाँ पे, एच थ्री है ना, कार्बन का चार बॉन्ड हो चुका है यहाँ पे। डबल बॉन्ड जो है वो उठ के किसी के पास भी जा सकता है, जिसके पास मतलब कि ये जो एच टू एसओ फोर है इसका ओ एसओ थ्री एच यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये एसओ थ्री वो डिस्प्लेस कर जाएगा और बचेगा क्या, ओ एच। प्रिपरेशन हो गया अल्कोहल का, ठीक है, जानकी को समझ में आया, पूनम को, अलादी को, बाकी तुम लोग सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम कार्बोनिल, अब देखो कंपाउंड्स क्या क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो ये बाय रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है पहले बताओ तो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जब ये मिक्स कर दे रहा है ओ सॉरी एच जो है वो हट जा रहा है और उसके जगह में क्या आ जा रहा है, ओ एच बन गया अल्कोहल। सेकंड वाला तुम लोग समझाओ, कोई एक जन पूनम समझाओ, ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड है ना, ये कीटोन है, इसमें भी सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे आर और आर वन है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हट जाएगा देखो तो, ओ का एक तो बॉन्ड हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एच। समझ में आया? ओ क्या होगा, बाय रिएक्शन विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट। अब इसमें देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ और क्या है, एच है फिर से, तो इसमें हम लोग देते हैं कि आर एम जी एक्स, आर क्या है एल्काइल ग्रुप, एक्स क्या है हेलोजन। अब यहाँ पे क्या होता है, ओ इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ओ के साथ क्या चला जाता है, एम जी एक्स, और नीचे और एक बॉन्ड बन जाता है किसका, आर का। जब ऐसे बन गया तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एम जी ओ एच एक्स ये अलग से निकल जाता है, ओ एच वहां पे रह जाता है, दिखा। अब इसको ये जो यहाँ पे डब्बा किया हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कैसे होगा बताओ तो, ये जो सी है ये डबल ओ डोटो एच है ना, इसको हम लोग एक साथ लिख दिए, हाँ हाँ सी एच टू लिख दिए, और इधर में आर और उधर में क्या ओ एच, हम लोग को निकालना क्या था, एल्कोहल निकला, ओ एच निकला, हाँ
हाँ देखो आ यहां से डब्ल्यू हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओ है यहाँ से एक तो एच उठ के यहाँ पे चल जा रहा है, ठीक है। ये एच जो है यहाँ पे चल जाने के बाद ये एम जी और जो एक तो एच बचा है, यहाँ पे दो तो एच है ना, देखो एच टू ओ एक तो एच बचा और यहाँ से और एक तो क्या बचा ओ, तो ये जो ओ एच है ये अलग से लेके और एम जी और एक्स को लेके निकल जाता है, समझ में आया। एम जी एक्स को निकल लेके निकल जाता है और बचा क्या तब पूरा रिएक्शन में देखो वो, ये सबको माइनस कर दो, देखो यही वाला बचेगा डब्बा वाला, सुचिंत को देखने दो बचा। हाँ तो ओ एच यहाँ पे ऊपर में ओ एच ही बचा। अब ये जो एच और एच है इसको हम लोग एक साथ लिखने के लिए ऐसा कर सी एच टू कर दिए, कर सकते हैं आराम से, कैसे समझ में आया। अब एल्कोहल निकालना था निकाल दिए, अब सबको समझ में आया लला दी और पूनम को, ठीक है। इसके बाद ये दो तुम लोग बताएगा कि क्या होगा, बताओ करके जल्दी।